कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बता। ओम नमो नारायण, ओम नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदया। विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, खत देते असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। ओम नमो नारायण, ओम नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदया। सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु तारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। ओम नमो नारायण, ओम नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदया। रूप बनाया, हिरण्यक्ष को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु मथाया, चौदह रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदरा चल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम बंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। ओम नमो नारायण, ओम नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदया। जब असुर डुबाया, कर प्रबंध तुमको ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उसकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। ओम नमो नारायण, ओम नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदया। तीन दनुज शैतानी, वृंदाए तुम्हें लपटानी, हो इस परश धर्म शतिमानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा
कुश आदिक खल मारे गणकारे जा मिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु उतारे हर हु सकल संताप हमारे कृपा करो हरि सिर जन हारे देखहु मैं नित दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारे चहित आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन जानो नहीं योग्य जप पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण करहु आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होते दुख भीषण करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति मैं करहु समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई ओम नमो नारायण ओम नारायण विद्धिमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब भगवान श्री हरि विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती माँ का भार हरते हैं। परंतु आज जो संगीतमय गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान जग के पालन हारे हैं श्री विष्णु मानव तो मानव पृथ्वी लोक के जीव जंतुओं की भी रक्षा करने हेतु दौड़े दौड़े आते हैं। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र पावन गाथा के किस तरह एक गज की करुण पुकार सुनकर श्री हरि वैकुंठ छोड़ दौड़े दौड़े आए और अपने भक्त उस गज की रक्षा करी। तो एक बार बोलिए मेरे साथ, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की दर्शन दो विष्णु भगवान आज मेरे संकट में प्राण दर्शन दो विष्णु भगवान आज मेरे संकट में प्राण 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 भक्तों, हम सब जानते हैं के ग्राह का बल जल के भीतर 100 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए तो वो भारी भरकम गज को भी जल के भीतर खींच कर ले जा रहा है। और उधर गज कातर स्वर में भगवान विष्णु को उनका गीता में दिया वचन याद दिला रहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अपने भक्तों के रक्षण हेतु दौड़ा दौड़ा आऊंगा। तो फिर आज प्रभु आने में देर क्यों कर रहे हो, आइए प्रभु आ जाइए। मत्स्य बने थे प्रलय से बचाए कूर्म बने गिर आप उठाए मत्स्य बने थे प्रलय से बचाए कूर्म बने गिर आप
बने गिरी आप उठाए, मुझको भी दो अभय वरदान, आज मेरे संकट में प्राण। आज मेरे संकट में प्राण, आज मेरे संकट में प्राण, आज मेरे संकट में प्राण। कातर स्वर में गज पुकार रहा है, प्रभु आपने मोहिनी का रूप धरा था और स्वयं भगवान भोलेनाथ तक के प्राण बचाए थे, तो क्या आप आज मुझ निरीह प्राणी की रक्षा करने हेतु नहीं आएंगे प्रभु, केवल इसलिए कि मैं एक गज हूँ? नहीं प्रभु नहीं, मेरा विश्वास है कि आप जरूर आएंगे, मेरे विश्वास को डिगने मत दीजिए श्री हरि, दर्श दिखाइए प्रभु, दर्श दिखाइए। वराह बने धरती को बचाया, नरसिंह ने प्रहलाद तिराया, नरसिंह ने प्रहलाद तिराया, आपकी महिमा जग में महान, आज मेरे संकट में प्राण। दर्शन दो विष्णु भगवान, आज मेरे संकट में प्राण, आज मेरे संकट में प्राण, आज मेरे संकट में प्राण, प्रभु मेरे संकट में प्राण। हे प्रभु, देवताओं को भी अमृत पिलाने हेतु आपने मोहिनी का रूप धारण किया था, सागर मंथन न हो पाता यदि आप कूर्म का रूप धारण न करते, बलि के शीश पर पांव धरकर आपने उसे पाताल भेजकर भव से पार किया, प्रहलाद को बचाया नरसिंह बनकर, तो प्रभु मेरा क्या अपराध है? आ जाइए प्रभु आ जाइए, अब मुझसे और पीड़ा सहन नहीं होती, ये ग्राह मुझे जल के भीतर ले जाएगा और मार कर खा जाएगा, रक्षा कीजिए दीनानाथ, रक्षा कीजिए। वामन बन कर बलि को तारा, परशुराम ने भार उतारा, परशुराम ने भार उतारा, आप ही राम है आप ही श्याम, आज मेरे संकट में प्राण। दर्शन दो विष्णु भगवान, आज मेरे संकट में प्राण, आज मेरे संकट में प्राण, आज मेरे संकट में प्राण, श्री हरि मेरे संकट में प्राण। गज श्री हरि को
उनके धारे अवतारों की याद कराते हुए कहते हैं, प्रभु आप राम बने और रावण को मारा, आप कृष्ण बने और कंस को संहारा, फिर बुद्ध बनकर अपने सभी पूर्व अवतारों के उलट आपने अहिंसा को परम धर्म बताया, परंतु क्या आप आज मेरी खातिर फिर से हथियार नहीं उठाएंगे प्रभु, क्या अपना चक्र सुदर्शन नहीं चलाएंगे, आ जाइए प्रभु आ जाइए। बुद्ध अहिंसा पाठ पढ़ाए, अहिंसा परम धर्म बतलाए, अहिंसा परम धर्म बतलाए, फिर से धारो धनुष और बाण, आज मेरे संकट में प्राण। आज मेरे संकट में प्राण, आज मेरे संकट में प्राण, प्रभु मेरे संकट में प्राण। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर श्री हरि भला क्यों करना आते भक्तों, ज्यों ही गज ने कमल का पुष्प उठाकर रोते रोते श्री हरि को अर्पित किया, श्री हरि ने गज को दर्शन दिया और भक्त के रक्षण हेतु चक्र सुदर्शन का प्रहार कर ग्राह के दो टुकड़े कर दिए और अपने भक्त गज के प्राणों की रक्षा की। तो बोलिए भक्त वत्सल, प्रजा पालक, जग के पालनहार, भगवान श्री हरि विष्णु की। भक्तन हित प्रभु दौड़े आए, मार के गागज प्राण बचाए, मार के ग्रागज प्राण बचाए, चंदन तिलक करे गुणगान, प्रभु ने रख लिए गज के प्राण। दर्शन दो विष्णु भगवान, आज मेरे संकट में प्राण, प्रभु ने रख लिए गज के प्राण। श्री हरि रख लिए गज के प्राण।